नमस्कार, मैं हूँ नीलम मौर्य। मेरे चैनल नीलम रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं, या आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तो भी आप इसको बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसे मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पास्ता, वो भी देसी स्टाइल में। सबसे पहले मैंने गैस पे गर्म होने के लिए 1 लीटर पानी चढ़ा दिया है। पानी को हम बॉयल आने तक वेट करेंगे। देखिए, पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है धीरे धीरे। तो इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, जिससे पास्ता चिपकेगा नहीं। ये देखिए, ये मैंने 250 ग्राम पास्ता लिया है। अब इसको इसमें डाल देते हैं। इसको हमें पानी में डाल के इसको पकाना है। अब इसको हम चलाते रहेंगे, बॉयल आने तक वेट करेंगे हम। देखिए, बॉयल आना शुरू हो गया है, तो गैस का फ्लेम हम मीडियम लो कर देंगे और इसको ढक देंगे, ताकि पास्ता जल्दी से पक जाए। ये देखिए, अब बीच बीच को आप चलाते रहिएगा। ये देखिए, पास्ता अच्छे से पक गया है। तो अब इसको हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तरह का स्ट्रेनर लेंगे और इसको इसमें छान के छोड़ देंगे इसको। अब मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। ये शिमला मिर्च है, कटी हुई हरी मिर्च है, और प्याज है। इसको हम डाल के इसमें फ्राई करेंगे। पहले हम हरी मिर्च है उसको डालेंगे, फिर प्याज को डालेंगे। इसको डाल के हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, 2 मिनट के लिए। इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसका थोड़ा कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस उतना ही हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसको हम शिमला मिर्च, हमने जो काट के रखी थी उसको डाल लेते हैं। शिमला मिर्च और प्याज को आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस में काट सकते हैं। अब इसको भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही इसको हम 1-2 मिनट के लिए ही पकाएंगे। तो गैस के फ्लेम को अब लो रखते हैं। इसमें हम 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच विनेगर और करीब 1.5-2 चम्मच हम टमाटो केचप डालेंगे। इन सबको डाल के अच्छे से हम मिला लेंगे पहले। ध्यान रहे, गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। ये जो हमने पास्ता छान के रखा था, इसको हम निकाल के अब इसमें डाल लेते हैं। इसको डाल के हम अच्छे से मिलाएंगे। इसमें इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे, जिससे पास्ता टूटेगा नहीं और ये आसानी से सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। छोटी चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। हमने पहले भी नमक डाला है, इसलिए हमें ध्यान से डालना है। ये मैंने 3 बड़े चम्मच रेड सॉस पास्ता लिया है, इसको इसमें डाल लेते हैं। इसको डाल के हम मिला लेते हैं। आपको ये जो रेड सॉस है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, आप इसमें डालिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये लीजिए, हमारा गर्मा गर्म बिल्कुल देसी स्टाइल में रेड सॉस पास्ता बनकर तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए।